अपने त्रिपुरा दौरे के दौरान अगरतला में महाराजा वीर विक्रम की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। मोदी के त्रिपुरा दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। अगरतला से हमारे संवाददाता सुदीप नाथ ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट सफर के लिए आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का भी हम अलग अलग स्टेट सफर के बाद आखिरी पड़ाव में त्रिपुरा में आएंगे। तो कुछ प्रोग्राम है त्रिपुरा में, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है और एक पब्लिक रैली भी करेंगे। तो क्या क्या प्रोग्राम है आइए जानते हैं। बीजेपी का प्रवक्ता नवेंद्र भट्टाचार्य हम लोग के साथ है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं करीब करीब 3 बजे, तो यहाँ आके एयरपोर्ट में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक बहादुर जी का मूर्ति का आवरण उन्मोचन करेंगे। इसके बाद वहाँ से सीधा ये मैदान में आ जाएंगे, विवेकानंद मैदान में, वहाँ पर आके यहाँ पर आके लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन पूरा ही सरकारी कार्यक्रम है। यहाँ पहुँच के वो ये मैदान से ही बटन दबा के वो गर्जी से साउथ की तरफ जो रेल लाइन जाने वाला है उसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही में ट्रिपल आईटी उद्बोधन भी करेंगे। तो कितने लोग होने के? देखिए, लोग तो सभी लोग आना चाहते हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में वो आए थे, इसके बाद ये पहली उनकी सफर है। तो पहले से ही पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी उनको आमंत्रण किया गया था कि आप यहाँ पर आइए, एक बार लोगों को संबोधित करें, पार्टी के कार्यकर्ता को संबोधित करें। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो ये संभव नहीं हुआ। तो अभी वो आ रहे हैं, ये सरकारी कार्यक्रम है लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। राज्य के हर कोने से लोग आना चाहते हैं, समर्थक आना चाहते हैं, लेकिन अभी समस्या ये है कि ये मैदान इसके लिए बहुत छोटे हैं और इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो हम लोग हर मंडल अर्थात विधानसभा केंद्र जो है तो वहाँ से कम लोग लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता को बोल दिया गया है कम से कम लोग लाने के लिए, क्योंकि बाहर से जितने लोग आएंगे, बाहर से मतलब त्रिपुरा के अगरतला के बाहर से जितने लोग आएंगे वो करीब करीब अभी तक 1 लाख होने का संभावना है और अगरतला के लोग तो है ही, तो इसके साथ मैदान में इतना लोग संभव नहीं है। पीएम मोदी कल पूर्वोत्तर में कई विकास मूलक योजनाओं की नींव रखेंगे। 20 आसू ने पीएम के दौरे के बाद कल समूचे राज्य में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। आसू काले झंडों के साथ प्रदर्शन करेगा, साथ ही राज्य भर में प्रधानमंत्री का पुतला भी फूकेगा। आसू के मुख्य सलाहकार समुजर कुमार भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी का पूर्वोत्तर दौरा, आसू करेगा प्रदर्शन। काले झंडे के साथ प्रदर्शन का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कई विकास मूलक योजनाओं की नींव रखने के साथ ही कई का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में तीनों राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जहां जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम है वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन आसू का कुछ और ही कार्यक्रम है। आसू समूचे राज्य में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध विधेयक की प्रतिलिपियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। भाजपा के तमाम नेताओं को काला झंडा दिखाने के बाद आसू कल पीएम के दौरे के वक्त भी काला झंडा लेकर प्रदर्शन करेगा। यही नहीं, आसू राज्य भर में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी फूकेगा। आसू के मुख्य सलाहकार समुजल कुमार भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। अहा कैले तेखेते आको सभा करिबो आरो सभा करिबो आरो सभा करार ए दिनतुत अहा कैले दिनतुत समग्र अहोमत जिला महकुमा ए सकल स्थानत आरो अहोमर विभिन्न प्रान्तत आंचलिकतु विभिन्न प्रान्तत छात्र संस्था आरो 30 जनगोष्ठी संगठने राइजर सहयोगत कोला पटका लई बिक्षोभ प्रदर्शन करी
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া প্রতিমন্ত্রী রাজহুৱা স্থানত দাহ করা হব। আর এই কথা জনাই দিয়া যাব যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার উত্তরাঞ্চলের খিলঞ্জীয়া বিরোধী সিদ্ধান্ত আমি মানি নল। আর একপক্ষীয়ভাবে অসমৰ উত্তরাঞ্চলের খিলঞ্জীয়া মানুষের উপর জাপি দিয়া এই বিলখনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলে আর একনায়ত্ববাদর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রধানমন্ত্রী অসমত পদার্পণ করার লগে লগে আজি গোটে অসমত আর কাইলে গোটে অসমত প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ চলিছিল, চলিছে আর চলিব। নাগরিকতা সংশোধন বিধেয়ক কে প্রতি সরকার কে রুখ কে সাফ হোনে কে বাদ সে হি আসু সমেত রাজ্য কে বিভিন্ন সংগঠন লগাতার প্রদর্শন কর রহে হ্যায়। সিফ আসাম হি নহি পূর্বোত্তর কে সভি রাজ্য মে নজারা এক হি হ্যায়। ভাজপা সরকার পর রাজ্যবাসীয় কে সাথ খিলওয়াড় করনে কা আরোপ লগাতে হুয়ে রাজ্য কে বিভিন্ন সংগঠন সরকার কে রবৈয়ে কে খিলাফ আপনা বিরোধ জতা রহে হ্যায়। আজ ভী নাগরিকতা সংশোধন বিধেয়ক কো খারিজ করনে আর অসম সমঝোতে কো লাগু করনে কি মাঙ্গ মে বিভিন্ন জগহো মে বিশাল র্যালি নিকালি গই। ইয়াজু এদি সরকার আমি সকিয়া দিব বিচাইছো অতি শীঘ্রে এই নাগরিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল করো, অন্যথা কিন্তু অসমৰ রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হব যার ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার জগরিয়া হব। পূর্বোত্তর মে ইস বিল কে খিলাফ লোগো কা বড়া তবকা প্রদর্শন কর রহা হ্যায়। বতাতে চলে কি ভারী বিরোধ কে বাবজুদ ये विवादित विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और सरकार राज्यसभा में भी इस विधेयक को पारित कराने की पूरी कोशिश में है। विधेयक राज्यसभा में पारित ना हो इसके लिए आसू समेत विभिन्न संगठनों ने कांग्रेस समेत समान विचारधारा वाली पार्टियों से राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की। बहरहाल पीएम मोदी के दौरे के वक्त प्रदर्शनकारियों को रोकना सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट लाइव।